साथ शेयर करने जा रहा हूँ इनमें सेक्शन में पिवट टेबल। पिवट टेबल क्या है, ये किस चीज में यूज होता है? पिवट टेबल इनमें सेक्शन का एक ऐसा ऑप्शन है जो बड़े से बड़े डेटा को समराइज करता है एटलीस्ट कुछ ही टाइम में। पिवट टेबल इनमें सेक्शन में बने हुए रिकॉर्ड को ग्रैंड टोटल निकालने का काम करता है। इनमें सेक्शन में इससे अच्छा फंक्शन और कोई नहीं है। तो वीडियो में आगे चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। हम अभी बताने जा रहे हैं कि पिवट टेबल का यूज कैसे होता है। देख सकते हैं आप स्क्रीन पे कि पिवट टेबल का मैंने एक रिकॉर्ड तैयार किया है। पिवट टेबल का एक मैंने रिकॉर्ड तैयार किया है जिसमें आपका दिया हुआ है ऑर्डर डेट, प्रोडक्ट कैटेगरी, अमाउंट एंड कंट्री, जिसमें ये दिखाया गया है कि कौन सा डेट को कौन सा प्रोडक्ट का किस कंट्री से कितने का ऑर्डर आया है। जिसे हम लोग कैसे यूज करते हैं पिवट टेबल में वो आप लोग देख लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक डाटा तैयार करेंगे और डाटा तैयार करने के बाद हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इस डेटा को पूरी तरीके से सिलेक्शन ले लेंगे। पूरा होल डेटा को हम लोग सिलेक्शन लेने के बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे इंसर्ट में एवं पिवट टेबल में जा करके हम लोग यहाँ से पिवट टेबल पर जैसे क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स खुलता है जिसमें आपका दिया हुआ है क्रिएट पिवट टेबल और एक यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिया हुआ है कि न्यू वर्कशीट, यानी जो पिवट टेबल का जो रिकॉर्ड बन के आने वाला है वो आप न्यू वर्कशीट पे शो करवाने वाले हैं या फिर इसी शीट में शो करवाने वाले हैं। तो अगर इसी शीट में अगर शो करवाना चाहते हैं तो हम लोग कहाँ क्लिक करेंगे, एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे जाएंगे और जहाँ पे आपको शो करवाना हो वहाँ पे हम लोग सिलेक्शन ले सकते हैं इस तरीके से। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, हमें क्या करना है कि नए शीट में हमें मुझे दिखाना है, तो उसके लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, न्यू वर्कशीट, और यहाँ से बस ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ से पिवट टेबल फील्ड्स का एक डायलॉग बॉक्स खुलता है, टास्क पेन खुलता है, तो इसमें हम लोग ये दिखा पाएंगे ठीक है कि यहाँ पे सारे फीचर को हम लोग क्या करेंगे, इनेबल करते हैं। ऑर्डर डेट, प्रोडक्ट कैटेगरी, अमाउंट एंड कंट्री, मंथ को हटा देता हूँ मैं। यहाँ से साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका कौन सा डेट को, सारा देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, सारे स्क्रीन पे आ चुका है जिसमें आपको दिखाया हुआ है कि कौन सा डेट को किस प्रोडक्ट का किस इन कंट्री से आपका ऑर्डर आया है। लेकिन चलिए हम यहाँ से क्या करना चाहते हैं कि ऑर्डर वाइज नहीं, प्रोडक्ट कैटेगरी और मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ कंट्री, ये तीनों रूप से मैं दिखाना चाह रहा हूँ आप लोग को। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, कंट्री को कॉलम में इनवॉइस में डाल देते हैं और कैटेगरी को भी हम लोग कॉलम में डाल देते हैं। चलिए ये आपका देखिएगा रिपोर्ट आपके स्क्रीन पे आ चुका है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया पहला कंट्री देख रहे हैं आप, ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया का ये टोटल दिखा रहा है कि फ्रूट का कितने मतलब कि आया है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया कंट्री से फ्रूट का एक भी ऑर्डर नहीं आया है। तो यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिए, ऑस्ट्रेलिया में क्या कि ऑस्ट्रेलिया में आपको क्या कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में आपका एक ऑरेंज फ्रूट का ऑर्डर आया है जिसका रेट आपका कितने का ऑर्डर आया, 82,300 यानी 82,300 का फ्रूट का ऑर्डर आया और वेजिटेबल 12,000 का आया है। चलिए अब इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया का टोटल दिखा रहा है कि टोटल कितने का आ चुका है। तो यहाँ से दिखा रहा है कि फ्रूट में आपका इतना है और वेजिटेबल में आपका इतना है, यानी टोटल कितने का ऑर्डर आ चुका है, तो 94,300 का ऑर्डर आया। चलिए ठीक उसी तरह से देख लेते हैं आप कनाडा, कनाडा को मैं हमने देख लेते हैं कि कनाडा से फ्रूट का ऑर्डर कितना आया है, वेजिटेबल्स का कितना आया है। तो देख लीजिए फ्रूट का जो ऑर्डर आया है कनाडा में वो देखिए एक एप्पल का ऑर्डर आया है और एक मैंगो का ऑर्डर आया है, और वेजिटेबल में देख लेते हैं कि यहाँ पे वेजिटेबल में कैरोट का आया है ऑर्डर, जिसमें से आपका देखा जाए टोटल कनाडा से कि कितने का ऑर्डर आया। तो यहाँ पे दिखा रहा है 67,150 यानी कहा जाए कि 67,150 रुपये का क्या आया यहाँ पे ऑर्डर आया। आगे यहाँ से दिया गया है वेजिटेबल्स, यानी अब इंडिया से टोटल कितने ऑर्डर आया और किस किस चीज़ का ऑर्डर आया। तो यहाँ से देख रहे हैं कि कैप्सिकम का ऑर्डर आया है एवं कैरोट का ऑर्डर आया है, जिसमें वेजिटेबल का ऑर्डर आया सिर्फ इंडिया से, यानी कि फ्रूट से एक भी नहीं आया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी 67,900 रुपये का ऑर्डर आ चुका है इंडिया से टोटल। अब देखा जाए फ्रूट यूएस, यूएस की मैं बात करूं तो यूएस से भी हम देख लेते हैं कि यूएस से फ्रूट का ऑर्डर आया है एवं यहाँ से दोनों मेरा फ्रूट का ही ऑर्डर है, जिसमें से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका क्या है कि 15,000 का ऑर्डर आ चुका है यूएस से और एक
20,000 का ऑर्डर आ चुका है, यानी टोटल देखा जाए यूएस से टोटल कितना आ गया, 35,000 का ऑर्डर आ चुका है। अब यहाँ पे ग्रैंड टोटल दे दिया है, तो ग्रैंड टोटल में आपको ये दिखाया जा रहा है कि टोटल कितने प्रोडक्ट का ऑर्डर आ चुका है। तो देखा जाए 264,350, यानी कि इतने रुपए का ऑर्डर आ चुका है। अगर मैं अगर चाहते हैं कि हम इसे ग्राफ में भी इंडिकेट करवाना चाहते हैं, तो आप इसे ग्राफ में भी इंडिकेट करवा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्शन लेंगे, और लेने के बाद यहाँ से कहाँ चले जाएंगे, इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद पाइवट चार्ट की मैं बात करूँ, तो पाइवट चार्ट में जा करके बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है कि आपको कहाँ पे इसको दिखाना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट के मदद से ग्राफ तैयार कर दीजिए, कैटेगरी तैयार कर दीजिए, अमाउंट तैयार कर दीजिए, और कंट्री भी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये दिखा रहा है कि कितने का ऑर्डर आ चुका है और कितने का ऑर्डर आपका यहाँ पे ग्राफ के द्वारे आ चुका है, कि वेजिटेबल से कितने ऑर्डर आया है और कनाडा से कितना आया है, इंडिया से कितना आया है। तो चलिए ना, मैं यहाँ से क्या करूँ, कंट्री वाइज नहीं, सिर्फ हम डिटेल्स दिखा रहे हैं ग्राफ में कि वेजिटेबल और फ्रूट का कितने कितने का ऑर्डर आया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से चले जाएंगे, इसको पूरा अगर लेआउट के साथ इंडिकेट करवाना है तो डिजाइन में जा करके, और हम लोग डिजाइन लेआउट में जा करके हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि अपने इसको लेआउट में कन्वर्ट करके दिखा दीजिए, जिसमें आपको ये बता दिया है कि फ्रूट, एप्पल एवं सबका ऑर्डर कहाँ कहाँ से है। तो मैं कंट्री वाइज भी अगर आप दिखाना चाहते हैं तो कंट्री वाइज भी आप दिखा सकते हैं अलग अलग डेटा को, मतलब लेआउट ले करके। चलिए मैं यहाँ से कंट्री भी इंडिकेट कर देता हूँ, जिसमें आपका ये दे चुका है कि टोटल आपका दे चुका है कि यहाँ से कनाडा का कितना आ चुका है, यूएस का कितना आ चुका है, बस।